नमस्कार, इंटरप्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर्वे में इन गांवों में मसीहा बने कनक पांडे। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र में कुछ गांवों ने, जब मीडिया ने गांव के लोगों से चुनाव के बारे में सवाल किया तो गांव के लोगों ने बताया कि अजय शंकर पांडे उर्फ कनक पांडे को हम लोग वोट देंगे और जीत भी हासिल होगी। कुछ लोग बताए कि अजय शंकर पांडे कनक जी बहुत अच्छे हैं और हम लोगों के मसीहा भी हैं। श्री गिरिजा शंकर राम जी, आप विकलांग हैं जी? आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? आज चौरा से। अभी विधानसभा चुनाव है, वोट मारेंगे आप? किसको मारेंगे वोट? कनक पांडे क्या? कनक पांडे को। तो कनक पांडे तो अभी टिकट मिला नहीं है, तो किसी पार्टी को करेंगे? किसको? भाजपा को जी। अगर कनक पांडे किसी व्यक्ति हैं? कनक पांडे किसी व्यक्ति हैं? किस कब से जानते हैं उनको? हमको बहुत दिन से जानते हैं जी। हमको बहुत सहारा किया है। आपको सहारा किया है? साइकिल दिए हैं। हाँ, साइकिल सामान देते हैं, पैसा देते हैं जी। ना कनक पांडे को आप भी जानते हैं? आप भी जानते हैं? गांव के लोग जानते हैं? गांव का सब लोग जानते हैं, सब लोग उनको वोट करेंगे। उनका व्यक्तिगत वोट कितना आपके? उनका व्यक्ति वोट कितना होगा पार्टी छटाकर? पार्टी के सब उनका व्यक्तिगत वोट की उनको वोट मारेंगे। अगर निर्दल उठेंगे तो वोट मारेंगे आप उनको? पूरा गाँव मारेगा, खाली आप ही मारेंगे? सब मारेंगे, गाँव मारेंगे, निर्दल भी उठेंगे तो। मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है। कौन सा ग्राम सभा? ग्राम सभा छोरा जी। कितने कौन सा विधानसभा आपका आता है? मास्टी। और कौन आपके विधायक हैं जी? अभी तो वर्तमान में विधायक राम गोविंद चौधरी जी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं जी। इस समय 2022 के चुनाव आ रहे हैं, 2 महीने बाकी हैं, तो आप किसको उठना चाहेंगे संघ जी? अभी तो विगत 10 वर्षों में जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं राम गोविंद चौधरी जी, इन्होंने अभी कुछ नहीं किया है, इसलिए आज के डेट में हम मतलब जो भी हुआ है यहाँ पे परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा का जो भी सपोर्टर मतलब जो भी प्रत्याशी होगा उसको हम लोग अपना बहुमूल्य वोट देना चाहेंगे। आपके भाजपा से हैं तमाम प्रत्याशी लगे हुए, एक होगा ना ये प्रत्याशी अच्छे हैं ये बुरे हैं, अब किसको किसको हम पसंद करते हैं? जी अभी तो मतलब जो भी कोरोना काल या जो भी मतलब जहाँ भी कुछ भी संकट दिखता है तो हमको रेवती विधानसभा के रेवती पंचायत क्या कहा जा रहा पंचायत रेवती नगर पंचायत के अभी जो मतलब वहीं के हैं वो कनक पांडे जी। हाँ। जी उन्हीं को हम अपना वोट देना चाहेंगे या सपोर्ट देना चाहेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने पूरा परिवार देगा जी, पूरे परिवार के साथ हमारा पूरा सपोर्ट रहते हैं। तो आपको ये भली भांति मालूम होगा तो उनकी व्यक्तिगत वोट आपके गाँव में कितने होंगे? जी हमारे गाँव में लगभग बहुत सारे वोट उनको जाएंगे। कितने प्रतिशत? 90%। लगभग 80-90% तक जी। कितना उनको चाहने वाले हैं जी? बिल्कुल। राजेश कुमार ठाकुर है। किस गांव के हैं? मैं बणसरी का निवासी हूं। कौन से विधानसभा का है? ये 5 विधानसभा आता है सर जी। क्या आपके गांव में या आप खुद किस पार्टी को पसंद करते हैं? तमाम लोग या सपा को पसंद करते हैं? यहाँ राम गोविंद चौधरी जी हैं। हम भाजपा को पसंद करते हैं सर, उसके नीतियों से बहुत हम खुश हैं, वो तमाम प्रकार के हर गरीब से गरीब तबके लोगों को अच्छा सुविधा दे रही है। आपके पास विधानसभा से तमाम लोग प्रत्याशी किशन हो गए, शिवचंद चौहान हो गए, या किसको पसंद करते हैं? हम सर कनक पांडे जी को पसंद करते हैं सर। क्यों? वो इस क्षेत्र का मसीहा है सर, एक छोटी वर्ग के लोग या छोटे छोटे लोग को कोई भी समस्या होता है तो उनके यहाँ अगर सूचना जाए तो तुरंत दौड़े चले आते हैं सर, वो हमेशा हम लोग के बीच में ही रहता है सर। जी जी। तो आपके गांव से उनके व्यक्तिगत छवि या कितने वोट मिलेंगे व्यक्तिगत बताइए? हमारे यहाँ छोड़कर हमारे हिसाब से सर उनको 80-85% उनको वोट मिलेगा सर, यहाँ से व्यक्तिगत एकदम व्यक्तिगत सर। अपना पर्चय बताइए जी। मैं दुर्गेश कुमार तिवारी, सनफ श्री घनश्याम तिवारी, ग्राम बणसरी, जिला बलिया। जी जी। हम जानना चाहते हैं जी, अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, 2-3 महीने वोटिंग होने वाली है, तो तमाम तरह के प्रत्याशी दावादारी कर रहे हैं, तमाम पार्टियां भी आ रही हैं जी। बिल्कुल। अभी वर्तमान समय में आपके क्षेत्रीय विधायक गोविंद जी हैं। हाँ हाँ, राम गोविंद चौधरी। हाँ हाँ, तो किसको आप पसंद करते हैं अभी? देखिए, पसंद और नापसंद वाली बात है, लेकिन इस समय हम भाजपा ही हैं और भाजपा से जिसको यहाँ पे टिकट मिलेगा, चाहे वो कनक पांडे हो,
कनक पांडे को जानते हैं जी? कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे मतलब कहा जाए तो हमारे गांव से नहीं इस क्षेत्र से ज्यादा लगाव हो चुका है उनको जी। अगर कनक पांडे को व्यक्तिगत वोट कितना होगा आपके गांव? हमारे गांव में मान के चलिए यदि 2500 के आसपास पोलिंग होती है तो उसमें से लमसम 1500 से 1700 के आसपास उनका व्यक्तिगत वोट है। है जी। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। गांव से बिलोंग करते हैं जी? आसचोरा। अभी चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के जी, माहौल अभी चरम सीमा पर, तमाम प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं और तमाम प्रधान धैर्य प्रत्याशी भी जो हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं हम आगे टिकट लगा, तो आप किसको पसंद करते हैं, किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस पार्टी के व्यक्तिगत आपके अंदर रुझान है किसको आप? जी मैं भाजपा को लाइक करता हूँ। और रही बात इधर से विधानसभा की, तो इधर तो मैं कनक पांडे को लाइक करता हूँ। कनक पांडे कैसे व्यक्ति हैं? अच्छे व्यक्ति हैं। कनक पांडे के आपके एरिया में आते हैं क्या वो? बिल्कुल, 4-5 साल से कंटिन्यू आते हैं। हर सुख दुख में किसी कोई मरा या कुछ भी हुआ उनको आना ही आना है, यानी कि हम लोग सूचना दे रहे हैं कहीं ना कहीं से उनको पता चलता है आ जाते हैं। मतलब वो आपके हर सुख दुख में खड़ा दिल से पसंद करते हैं जी? तो वो आपको अच्छे व्यक्ति हैं, आपको उनको पसंद करते हैं जी? मैं मुझे वो अच्छा लगते हैं, बाकी लोगों की मैं राय नहीं जानता हूँ, मुझे वो बिल्कुल अच्छे लगते हैं, उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अच्छा है जी। वाहिद हुसैन। वाहिद हुसैन, कहाँ, किस गांव के हैं जी? बणसरी से। किस विधानसभा का आता है ये? बाहडी जी। अब बाहडी में तमाम सारे प्रत्याशी लगे हुए, सपा के विधायक है रामगोविंद चौधरी जी, किसको आप पसंद करते हैं जी? हम तो कनक पांडे जी के करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि कनक पांडे जी जो है हमारे गांव में किसी मतलब किसी मुसीबत पे छात्र संघ के जितने भी है हमारे गांव में सभी के फुल सपोर्ट करते हैं, तो हम इसलिए हम भी उनको सपोर्ट करते हैं। कैसे व्यक्ति हैं वो जी? बहुत अच्छे। ये आप ही पसंद करते हैं, पूरा गांव पसंद जी? पूरा गांव करता है। अगर उनको व्यक्तिगत वोट आपके गांव से कितने मिलेंगे उनको जी? ये तो क्या लगभग आप ही बता दीजिए, आप पूरा परिवार कितने लोग लेंगे? मतलब पूरा मतलब कि हमारा यहाँ पे तीन घर है मुस्लिम बिरादरी में। हाँ। तीन घर में लगभग उनको 30 वोट मिल जाएंगे। ठीक। शायद पांडे। किस गांव के हैं? बणसरी है। अभी विधानसभा चुनाव के लोग तैयारी में लगे हुए हैं, हर पार्टी लगी हुई है और पार्टियों से भी कई प्रत्याशी में भी लगे हुए हैं, तो आपके पास जो विधानसभा आता है किसको आप पसंद करते हैं? देखिए कनक पांडे जो है ना, हाँ, यहाँ हर कोई मरता है, कोई बीमार रहता है तो आते हैं वो और हेल्प करते हैं वो, तो हम तो उन्हीं को पसंद करते हैं जी। क्या आप ही पसंद करते हैं या घर के लोग भी या नहीं? सब लोग पसंद करते हैं। हाँ? हम पसंद करें तो 10-15 आदमी हमारा भी है। हाँ। जी। किस तरह के व्यक्ति वो है वो? कनक पांडे तो अच्छा आदमी, हम हमेशा मौका पर दौड़ा रहता है वो। बलिया जिला, घर है यूपी उत्तर प्रदेश, मैं बणसरी निवासी हूँ जी। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं जी, और कौन से विधानसभा आपका है? बांसडी विधानसभा है जी। अभी आपके क्षेत्र में राम गोविंद चौधरी जी विधायक हैं? हाँ विधायक है। चुनाव आने वाले, किसको चुनेंगे आप? हम तो भाजपाई है, हम तो भाजपाई है, बस। मतलब आप प्योर भाजपाई हैं? प्योर भाजपाई। भाजपाई से तमाम लोग दबादबी कर रहे हैं, तो किसको पसंद करते हैं व्यक्तिगत तौर पर? व्यक्तिगत पर हमारा तो कनक पांडे है, लेकिन जो भी भाजपा में टिकट मिलेगा हम उसी को वोट देंगे जी। तो कनक पांडे जी के आप व्यक्तिगत वोट यहाँ पर है? हाँ व्यक्तिगत वोट है। मैं अंजनी तिवारी, ग्राम बांसरी से, बांसरी का निवासी हूँ जी। किसको मानना चाहते हैं? हम तो किस पार्टी को मान जाते हैं? हम तो बीजेपी से हैं। बीजेपी में तमाम तो लोग दवादारी कर रहे हैं, किसको पसंद करते हैं? कीर्ति सिंह भी हैं, शिव सिंह चौहान भी, तमाम लोग हैं। नहीं तो हमारा तो कनक पांडे जी हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं। और क्यों चुनते हैं? क्योंकि जो राम गोविंद चौधरी है विधानसभा मतलब मतलब वो है, वो गांव में कभी भी जीत के बाद नहीं आए हैं वो। हाँ। आते भी हैं तो वो सिनेमा हॉल जो है ना मैरिज हॉल, हाँ, वहीं से वहीं तक आते हैं, और हमारे गांव में कभी तो वो आए नहीं है जीत के बाद जी।
कनक पांडे क्यों पसंद करते हैं? कभी भी मुसीबत हो उनको बुलाने पर वो हमेशा हमें दरवाजे पा जाते हैं। बनारसी गाँव में की कोई भी बुलाए ना वो हमें दरवाजे पा जाते हैं और परमानेंट कभी बुलाइए आ जाते हैं वो। किस गांव से आप रहती हैं? आसोरा। आपका बाज विधानसभा है, आपके क्षेत्र से राम गोविंद चौधरी विधायक हैं। हाँ। और तमाम अभी चुनाव आ गए हैं विधानसभा के। हाँ जी। तमाम पार्टियों के लोग यहाँ अपना अपना मत रख रहे हैं, जितने के दावा कर रहे हैं। हाँ, तो किस पार्टी को देना चाहते हैं? मैं भाजपा को देना चाहूँगी। भाजपा से भी तमाम लोग दावा देने चाह रहे हैं, किसी को आप पसंद करती है व्यक्ति? हाँ जी, कनक पांडे जी को। कनक पांडे कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, स्वभाव के बहुत अच्छे हैं वो, और हर दुख सुख में मेरे साथ देते हैं हम लोग का। सब गांव में जितने लोग हैं गरीब दुखिया सब कुछ देते हैं वो, मदद करते हैं। जी, मदद सबका करते हैं। हाँ जी। शिवजी सिंह जी, किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस लोगों को आप वोट देना चाहेंगे, किसको पसंद करते हैं? सर भाजपा ही को। भाजपा को। भाजपा में भी तमाम दावादारी कर रहे हैं आप विधानसभा से, किसको लाइक करते हैं? सर लाइक तो भाजपा को करने का कारण ये है कि पहले हम लोग केतकी सिंह को कर रहे थे जी। लेकिन उन्होंने एकदम बिल्कुल हमारा एरिया को छोड़ दिया, ना पूछा ना जाना। और कनक पांडे जो है वो हम लोग हर एक दुख सुख में मरनी जियनी या कुछ मतलब हम लोग दिक्कत भी बता रहे हैं तो हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप केतकी सिंह को नहीं, आप कनक पांडे जी को पसंद कर रहे हैं? जी। तो वो व्यक्ति कैसे हैं, क्या वो आते हैं क्या आपके गाँव में? अक्सर हमेशा किसी दुख सुख में, किसी दुख सुख में वो हम लोग का शामिल रहते हैं। क्या उनका व्यक्तिगत वोट आपके गांव में कितना होगा? करीब करीब सर 90%, कोशिश करें कि 100% हम लोग दें। 100% उनका पूरा गांव को सपोर्ट? यस सर। राम जी, किस गांव से बिलोंग करते हैं? आशोरा। यहाँ तो लोग तमाम तरह के हर प्रत्याशी तमाम पार्टी लोग आते होंगे आपके यहाँ। जी जी। तो किसको आप पसंद करते हैं? जी हम तो कनक पांडे को पसंद करते हैं। मतलब व्यक्तिगत कनक पांडे को पसंद करते? जी पहले भाजपा को पसंद करते थे लेकिन अब वो हमारे दुख सुख में आते हैं वो, तो उनके मतलब पार्टी पसंद नहीं है और कनक पांडे व्यक्ति पसंद? हाँ, पर व्यक्ति पसंद है। जी। तो पूरे गाँव में खाली आप ही पसंद करते? नहीं, 90% आदमी करते हैं उनके लिए। जी। अगर उनको टिकट नहीं मिले तो क्या निर्दल जिताएंगे? हाँ, निर्दल भी कर सकते हैं। निर्दल करेंगे? तो निर्दल उठते हैं तो कितना वोट गिरेगा उनको? 90% 90% कैसे व्यक्ति मतलब क्या आपको मदद करते हैं क्या? हाँ, मदद करते हैं वो, दुख सुख में हमेशा आते जाते रहते हैं, जब भी फोन करते हैं तभी तुरंत चला जाते हैं, हमारा कोई भी कष्ट परेशानी होता है तो। जगेसरी। कौन गाँव है आपके? बनासरी। हाँ। बस सही है। किसको वोट मारेंगे आप? अरे कनक जी। कनक जी को मारेंगे? काहे? कनक जी के तमाम लोग प्रत्याशी हैं। हाँ भाई, तो जी जी जकरा खातिर मरु गोर खातिर मर जाई। क्या आप करते हैं क्या वो? हाँ हाँ, तो कर बिकली को हसनी। हाँ। लड़का मुहर है, मदद के लिए बनी तो जरूर कर जाई। हाँ। जानती हैं दादी? हाँ। क्या नाम है आपका? हिरावती। किस गांव की रहने वाले हैं? सांकुरा के रहने वाले। आपके वर्तमान विधायक कौन है? हा? आपके विधायक कौन है अभी? अब ये हमने के विधायक तो हमारा बुझे भी ना कर चुकी। अच्छा, वोट मारती है विधानसभा में? हाँ जी। तो आपके राम गोविंद चौधरी प्रतिपक्ष नेता आपके विधायक है। हा? क्या आपके गांव में क्या आपके विधायक जी आते हैं? विधायक जी आते हैं तो क्या करता नहीं विधायक जी? अच्छा ठीक, 2022 के चुनाव में किसको वोट मारना चाहते हैं, किस पार्टी को, किस आपके विधानसभा में आप किसको पसंद करते हैं? इसके पसंद कर जाए क्यों जना हो तरन तो देता रहन एगो रेती के ने विधायक जी आई रहन तो भलतन सही तो करता रहन। का नाम है? कनक पांडे की कौन पांडे? आज कनक पांडे। हाँ। तो विधायक नहीं है ये, तो दावादारी कर रहे हैं, चेयरमैन है, मदद पहले बढ़े वो हमने के आई हो आवा तरन तो हो अपन जे काम जे उनका लायक बा सके मदद करते ना हम ना जत के हमन के मदद न खन कइले। आज कनक पांडे जी करते हैं? हां, उन्हें खन कइले। आपका? हमारा नाम है शिवानंद। हां, शिवानंद ठाकुर। शिवानंद ठाकुर जी। शिवा शिवानंद ठाकुर। शिवानंद ठाकुर। ठीक है, आप कहने का? बड़ा सरी। बड़ा सरी।
अभी किसको देंगे तो किस पार्टी को देंगे? आप कहेंगे विधानसभा से रामगोविंद चौधरी जाते हैं, इनको देंगे, किसको देना चाहेंगे आप? कनक पांडे जी के। कनक पांडे जी क्यों देंगे? वो तो विधायक भी नहीं है। कनक पांडे जी को देंगे? मेरा नाम विनीत कुमार यादव है, मैं ग्राम सभा सोमपुरवा का निवासी हूँ और मेरा विधानसभा बांडी पड़ता है। आपके विधायक जी कौन है? माननीय राम गोविंद चौधरी जी। उनके साथ तीसरी बार कार्यकाल है। किसको अभी 2022 चुनाव आने वाले हैं, किसको वोट करना चाहेंगे? जी निश्चित तौर पर मैं उसी पार्टी को वोट दूंगा जो हमें हमारे लिए रोजगार के लिए लड़े, क्योंकि हम लोग युवा हैं, युवा अवस्था में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम लोगों का रोजगार आवश्यकता है और जो वर्तमान में सरकार चल रही है युवाओं से रोजगार छीन ली है, इसलिए निश्चित तौर पर हम आने वाले दिनों में अखिलेश यादव का हाथ मजबूत करेंगे और मजबूती के साथ खड़े कूट करेंगे। जी ये तो पार्टी की बात हो गया, ये तो अपना होगा, हम अपने क्षेत्र के किसको पसंद करते हैं? हमारे क्षेत्र से माननीय अखिलेश यादव का जो भी टिकट मिलेगा हम उन्हीं पर हम उसी को वोट देंगे। ठीक। शंभू ठाकुर। कौन सा गाँव है आपका? बड़ा सर जी, अभी तमाम प्रत्याशी आ रहे हैं, तमाम पार्टियां अपना दावेदारी कर रही है, और किसको आप पसंद करते हैं? अभी विचार नहीं है हमारा कुछ ना। मतलब किसी पार्टी को पसंद नहीं? अभी पसंद नहीं किए हैं। व्यक्ति? अभी व्यक्ति व्यक्ति कुछ नहीं है, अभी देखेंगे इलेक्शन आएगा। शांति ना हो। कौन गांव हो? बनासारी। किसको वोट मारेंगे, किस पार्टी को वोट मारेंगे? रवती के कर्णक पांडे कहाल है। हाँ। का वोट मारेंगे, उनके का वोट मारा। हाँ। कैसे व्यक्ति है वो? आज के गांव में बड़ा सहायता कर गई है हमने के। सुशीला देवी। कौन गांव है आपका? शाहपुरवा। शाहपुर। आपका बागडी विधानसभा आता है? अमर तो पोते जी, तो वोट किसको देंगे? तमाम लोग आपके हैं, दौड़ते रहेंगे प्रत्याशी, तमाम पार्टी के लोग भी आते होंगे, किसको वोट देना पसंद करेंगे? कौन आपके नजर में? हमारे गांव के जो प्रधान प्रमुख जिन्हें कही उन्हें आपने विचार बताया किसको वोट देंगे? ये प्रधान का चुनाव नहीं है, ये विधायक आप चुनेंगे। हाँ ठीक बात है, यहाँ सब जब गाँव के जहाँ दी है सभी। आप किसको देंगे? आपका मन स्वतंत्र पते कमल का फूल बा, साइकिल बा, हाथी बा, जेकरा का इच्छा ओकरा के। अभी ये तो हमारा पता नहीं। किस गांव के हैं? आशोरा जी। किसको वोट मानेंगे आप? भाजपा को। भाजपा को। आपकी बाई की विधानसभा तमाम लोग दबादारी कर रहे हैं, किसको वोट देना चाहेंगे, कौन आपके आते हैं? भाजपा। भाजपा। मेरा नाम शिवजी यादव जी। कौन सा गांव से आप बिलोंग करते हैं? ये ग्राम सभा शाहपुर है जी। विधानसभा? विधानसभा बांसटी है जी। किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि जो मौजूदा सरकार है ये अच्छा कार्य कर रही है और बीजेपी को ही मैं सपोर्ट करता हूँ जी। आपके क्षेत्र से तमाम प्रत्याशी लगे हुए हैं, बीजेपी से भी तमाम तरह के, किसको वोट देना चाहेंगे आप, किसको व्यक्तिगत पसंद करते हैं? जी तमाम तरह के यहाँ लोग हैं, तमाम तरह के यानी लोग हैं, लड़ते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक जो हैं यहाँ पे रामगोविंद चौधरी 15 वर्षों से हैं, लेकिन अभी उनका यहाँ पे कोई वैसा सराहनीय कोई कार्य नहीं हुआ है, इसलिए मैं मौजूदा सरकार को ही अच्छा मानता हूँ और बीजेपी को वोट करूँगा। यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि यहाँ क्षेत्रीय विधायक या विधायकी की तैयारी कर रहे लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई किसी का मदद नहीं करता है। हमारे क्षेत्र में रेती चेयरमैन कनक पांडे जी हैं जो कि आते हैं और गरीब लोगों का मदद भी करते हैं जी। आपके गांव में उनकी व्यक्तिगत वोट कितने पड़ेंगे? हमारे ग्राम सभा में व्यक्तिगत 100-150 वोट है उनका। 100-150 वोट है जी। जी और अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे आप लोग? अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो मैं प्योर बीजेपी हूँ और बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी को ही वोट करूँगा जी। जी वो मैं नहीं आता, आप व्यक्तिगत कनक पांडे जी को पसंद करते हैं? व्यक्तिगत कनक पांडे जी से लगाव है, व्यक्तिगत मैं उनको पसंद भी करता हूँ, अगर टिकट मिलता है तो मैं उनको वोट करूँगा जी। जी मतलब कनक पांडे जी को आप मानते हैं? जी जी जी। वो कैसी व्यक्ति हैं कनक पांडे? अच्छे व्यक्ति हैं, स्वभाव से अच्छे व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो लोगों का मदद करते हैं, जब मैं फ़ोन करता हूँ वो हाजिर हो जाते हैं जी। मतलब आपके गांव के जितनी आबादी है भाजपा को, तमाम भाजपा अगर मनन हुई निषाद पारिश लेकर तमाम, तो कितनी वोट आपके गांव से गिर सकते हैं लगभग? हमारे ग्राम सभा में 800-900 वोट पोल होता है टोटल। हाँ। जिसमें
ज़्यादा वोट जो है समाजवादी पार्टी को जाता है क्योंकि यहाँ यादव लोग ज़्यादा हैं। मैं भी यादव हूँ लेकिन मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। शिव जी किस गांव से बिलोंग करते हैं? कतरिया, ग्राम कतरिया पड़ेगा जी। क्या किस पार्टी को पसंद करते हैं, किसको वोट करते हैं? पसंद तो यहाँ भाजपा को ज़्यादा लोग करते हैं, भाजपा को देंगे वोट। भाजपा को पसंद करते हैं? आई ठीक, भाजपा के तमाम प्रत्याशी हैं, आप किसको पसंद करते हैं यहाँ से? हाँ हाँ आपके यहाँ से। अब हमारे यहाँ से ये केतकी सिंह है, चौहान है, यही तो है। चौहान जी नहीं है, चौहान कोई और है। कौन तो कौन है? शिव शिवशंकर है। हाँ। वही शिवशंकर चौहान ना, वही है शिवशंकर चौहान। हाँ भाजपा के तमाम प्रत्याशी हैं, कनक पांडे से लेकर तमाम लोग आ रहे हैं यहाँ पर। सर भाजपा को यहाँ पर वोट है इस क्षेत्र में। कौन से ग्राम सभा आपका है? गांव तो सांपुरवा है भाई, तो ये जमीनी है साहूटी में घर। आप वोट किसको मारेंगे? अब वोट आई गांव है ना भाजपा वालों। और आपके विधानसभा से तमाम प्रत्याशी खड़े किसको पसंद करते हैं? अब देखो हमने किए तो एगो ये आवेले बबन पड़े और केहू तो आवेला ना। कनक पांडे को आप पसंद करते हैं? अरे वही आते हैं, वही देखते हैं, कुल कौनो काम होता था अब आ जाते हैं बुलाने को। मतलब उन्हीं को वोट करेंगे आप? हाँ तो तेज नारायण। तेज नारायण कौन सा गांव आपका है चाचा? कतरिया। विधानसभा कौन सा आपका है? बुरवारबाड़ी। अरे बाहडी। बाहडी विधानसभा आता है जी। तो आप किसको वोट मारेंगे? कमल को मारेंगे, बीएसपी को मारेंगे, सपा को मारेंगे? कमल को मारेंगे। हाँ कमल को मारेंगे। कमल को आप भी मारेंगे? पूरा परिवार आपका मरेगा? पूरा परिवार जी। कमल क्यों पसंद करते हैं? मोदी जी हम लोग के खूब सहायता दे रहे हैं हर व्यवस्था। आप व्यक्ति आपके कमल द्वारका प्रसाद जी। कौन सा गांव से बिलोंग करते हैं? सांपुरवा जी। 2022 का चुनाव आया है, किस पार्टी को पसंद करते हैं आप? और कौन सी विधानसभा आपका है? बास्टी विधानसभा है जी। किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस व्यक्ति को पसंद करते हैं? व्यक्ति तो योगी जी को पसंद करते हैं जी। योगी जी आपके चुनाव पार्टी कौन सी है आपके? बीजेपी को पसंद करते हैं जी। आपके क्षेत्र से तमाम प्रत्याशी है उसी क्षेत्र से, किसको पसंद करते हैं व्यक्ति? कोई विधायक तो इधर आता ही नहीं। नहीं नहीं प्रत्याशी तमाम तारामणि। किस कहाँ कौन सा गाँव आपका है? शाहपुर। किसको वोट करेंगे आप? भाजपा का करेंगे। व्यक्ति किसको पसंद करते हैं भाजपा में? तमाम लोग हैं बोलिए। हाँ तो वो है भाई पांडे को हतर नहीं हुए क्यों है क्या? कनक पांडे। और उसको पसंद करते हैं? कैसे व्यक्ति हैं वो? ठीक है आते हैं कोने बात में पूछते पछते हैं तो वही ना ठीक है। आप विधायक जी आपके वर्तमान विधायक राम गोविंद चौधरी? राम गोविंद तो कभी आए हैं नहीं। राम गोविंद तो हम समझिए हम आपको वही ना करे। कौन सा गांव आपका है? सांपुरवा जी। किस व्यक्ति को आप वोट देना चाहेंगे? वोट किसको पसंद करते हैं? कौन आपकी मदद करने आता है? किस पार्टी को देंगे वोट? क्या वर्तमान विधायक को देंगे वोट? आप क्षेत्र से राम गोविंद चौधरी भी जगह बिलोंग करते हैं, किसको देते हैं आप? राम गोविंद चौधरी आते हैं यहाँ पे। हाँ राम गोविंद चौधरी यहाँ पे आ जाते हैं जी। तो वोट किसको मारेंगे आप? वोट सपा को मारेंगे। सपा को मारेंगे जी। 2022 का चुनाव चल रहा है, कौन सी विधानसभा पड़ेगा आपका? पता जी। तो किसको वोट देंगे आप? कौन आपके हैं, किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे आप? भाजपा। भाजपा आपके क्षेत्र आपके क्षेत्र से भाजपा तमाम प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, किसको पसंद करते हैं? कनक पांडे आते हैं। कनक पांडे को पसंद करते हैं आप? मुन्नी। कौन सा गाँव है? कतरिया जी। अभी वोट आया है 2022 का, कौन आपके क्षेत्र में किस पार्टी को वोट देंगे आप? किसको देना चाहते हैं? अब जहाँ विचार है भाजपा में। भाजपा में। हाँ। लोकल आपके विधानसभा भाजपा तमाम लोग हैं, किसको वोट देना चाहते हैं? कहाँ तमाम दावादारी लोग कर रहे हैं भाजपा साथ, तो व्यक्तिगत किसको पसंद करते हैं किसी को? हम लोग भाजपा को, मोदी जी का, मोदी जी को हम पसंद करते हैं। हम मोदी जी हम लोग पर एथी है, हम लोग तुरहा जात के आदमी है और हम लोग के सहयोग दे रहा है मोदी जी।
तो भाषण तो नाम तर्जन कुमार है जी। काम कैसे ग्राम सभा का है? गांव ग्राम सभा शाहपुर है। किसको वोट करेंगे आप? वोट इससे भाजपा को जाना है। भाजपा को देंगे जी। भाजपा को पसंद करते हैं? भाजपा से विकास हो रहा है तो भाजपा को नहीं पड़ेगा जी। आपके क्षेत्र से तमाम प्रत्याशी लग गए हैं, किनको पसंद करते हैं? भाजपा के जो भी उठेगा उसको दिया जाएगा। अभी तो पाड़ा है कनक पाड़ा कनक पांडे बोल रहे हैं। कैसे व्यक्ति ये हैं? हमने क्या है कनक पांडे कैसे व्यक्ति हैं? कैसे व्यक्ति हैं आपके क्षेत्र में आते हैं क्या? ना 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 क्यों ना आता कनक पांडे जी नहीं आई लगे अब ना आता नहीं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।